पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले हैं कि अभी कमलनाथ की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। किसान आंदोलन की इतने दिनों बाद याद आ रही है। कुछ तथाकथित किसानों को एकजुट कर अपना अस्तित्व बचा रहे हैं कमलनाथ। 50 लाख से ज्यादा किसानों ने पीएम को एक साथ चुना था। कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र झूठा था क्या? झूठ छल कपट के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 10 साल पहले छिंदवाड़ा में शुरू की गई थी। कमलनाथ सिर्फ दोहरे क्षेत्र की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को भी याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। और कमलनाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया था, इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है।